दोस्तों बात करने वाले हैं IRFC के स्टॉक के बारे में। भाई अभी के टाइम बहुत बड़े अपडेट देखने को मिल रही है, बहुत बड़ी कुछ खबर है IRFC को रिलेटेड। भाई कल बड़ा धमाका यहाँ पे देखने को मिले, कल का मतलब मंडे को, क्योंकि अभी के टाइम दोस्तों हमें 12 अगस्त को कंपनी के Q1 के रिजल्ट देखेंगे एंड भाई मंडे को ही कंपनी के रिजल्ट है एंड मंडे को ही यहाँ से हमें दोस्तों एक बढ़िया तेजी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो जैसा कि दोस्तों आपको बता दूं मैं कि आज ऑलराउंड भाई जो कल कैबिनेट की मीटिंग थी यहाँ पे फ्राइडे को, उसमें शाम को दोस्तों बड़ी अनाउंसमेंट की गई। ऑलमोस्ट 24,600 करोड़ रुपये का ये निवेश होगा, जिसमें अगर आप देखो तो भाई 14 राज्य ना भाई 14 राज्यों के अंदर भाई यहाँ पे सॉरी 7 राज्यों के अंदर 14 जो जिले हैं उनमें यहाँ पे जो रेल की नई लाइनें हैं 7 नई लाइनें हैं वो बिछाई जाएगी। ऑलमोस्ट भाई 510 गांवों को रेलवे से जोड़ा जाएगा। रेल मंत्री की तरफ से ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। इसमें 24,600 करोड़ रुपये का खर्च आएगा, जो कि 2030-31 तक ये प्रोजेक्ट पूरे करने होंगे एंड यहाँ पे सबसे ज्यादा बेनिफिट है वो हमें रेलवे की कंपनी IRFC आयरन एंड इनको मिलता हुआ नजर आएगा। तो अपडेट पूरा देखेंगे इसी के साथ। दोस्तों मैंने पहले बता रखा कि कंपनी ने जो अपने रिकॉर्ड डेट है यहाँ पे वो अनाउंसमेंट करे की है, उससे पहले अगर आप शेयर नहीं बेचते हो तो आपको अच्छा खासा डिविडेंड भी मिलेगा। 70 पैसे प्रति इक्विटी शेयर आपको यहाँ से डिविडेंड मिलने वाला है एंड रिजल्ट कंपनी के अगर बेटर रहते हैं, क्योंकि हम एक चीज़ देख रहे हैं कि टाइम की रेलवे की कंपनी की जो रिजल्ट है, जैसा कि हमने इरकॉन का देखा आयुर्वेद का देखा, तो इनके भाई रिजल्ट कुछ बेटर नहीं थे, तो इनकी वजह से जो इन्वेस्टर है वो भी टाइम डरे हुए हैं। IRFC के अंदर भी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर में देखने को मिल रहा है, बट जिस प्रकार अभी के टाइम गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है, मेरे हिसाब से भाई मंडे को बड़ा ब्लास्ट होगा एंड स्टॉक कम से कम हमें यहाँ पे अगेन 190 के आसपास आते हुए नजर आएंगे मंडे को, क्योंकि रिजल्ट भी अगर अच्छा आते तो फिर एक अच्छा बूस्ट स्टॉक को मिलने वाला है। जैसा कि फ्राइडे में आपने देखा कि 1% की तेजी के साथ स्टॉक ने गिरावट दिखाई। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए 182.39 की पैसे के स्टॉक के हाई लगते हुए नजर आए एंड यहाँ पे 2,276 करोड़ के टोटल सॉरी 2,74 लाख की टोटल आज मतलब कल की वॉल्यूम थी। 495 करोड़ के आसपास का टोटल कारोबार था, जिसमें से अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पे 30% के आसपास जो डिलीवरी है वो हमें नजर आ रही है। मतलब यहाँ पे कोई भी बड़ा सेल या बाई की क्वांटिटी टोटली नहीं है एंड देखो अदर कंपनी का अगर पी देखोगे यहाँ पे, अगर इरकॉन का पी रेशो बताऊँ मैं तो ऑलमोस्ट इतना ही है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 30 के आसपास का पी है एंड भाई अगर आप यहाँ पे आर्मिनल का पी देखोगे तो आर्मिनल का पी भाई ऑलमोस्ट 80 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर सबसे बेटर बताऊँ तो पी के अकॉर्डिंग आपका सबसे पहले इरकॉन आएगा, फिर आपका IRFC आएगा। मतलब ये दो स्टॉक बेटर है जिनका पी अभी के टाइम हमें इंडस्ट्री पी के अकॉर्डिंग ज्यादा ओवरबोर्ड जोन में नहीं दिख रहे। देखिए अपडेट आपके सामने है भाई, बहुत बड़ा अपडेट है एंड इसका इफेक्ट हमें डेफिनेटली कल मतलब मंडे 12 तारीख को यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसा कि दोस्तों आप देखोगे आरएनएल IRFC सहित रेलवे कंपनियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। 24,000 करोड़ रुपये खर्च करने का बड़ा ऐलान गवर्नमेंट ने कर दिया है एंड यहाँ पे बजट में अनाउंसमेंट नहीं हुआ, फिर भी अगर देखोगे बीच बीच में गवर्नमेंट भाई हमारे लिए कुछ अच्छे प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट कर रही है, जो कि हमारे शेयरों को अच्छा खासा बूस्ट दे रहे हैं, क्योंकि ये गिर रहे हैं यहाँ से। जैसा कि आप देखो कई लोग ऐसे जिन्होंने भाई 200 रुपये के प्लस बाइंग कर रखी है एंड वो अभी के टाइम टोटली यहाँ पर प्रेशर में नजर आ रहे हैं। जैसा कि आपको बता दूं मैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने भाई बड़ा फैसला लिया है। शुक्रवार को कैबिनेट मीटिंग में 8 नए रेलवे लाइनों को लेकर बड़ी यहाँ पे मंजूरी दे दी है एंड सरकार का कहना है कि इससे कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। रेलवे को लेकर हुए इस ऐलान का फायदा आने वाले समय में रेलवे सेक्टर की बड़ी कंपनियों को होने की उम्मीद है एंड यहाँ पे अगर देखा जाए प्रोजेक्ट के बारे में तो देखिए दोस्तों इन प्रोजेक्ट का अनुमानित खर्च 24,657 करोड़ रुपये रहने वाला है। 2031 तक का ये यहाँ पे काम रहेगा, इसमें 8 प्रोजेक्ट रहेंगे, टोटल 7 राज्यों में ये प्रोजेक्ट चालू होंगे एंड 14 जिलों में ये मतलब कवर करेंगे, 14 जिलों में रेल लाइनें बिछेंगी एंड 7 राज्य उड़ीसा महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश झारखंड तेलंगाना पश्चिमी बंगाल इन राज्यों के अंदर दोस्तों हमें ये जो प्रोजेक्ट है वो चलते हुए नजर आएंगे, जिसके जरिए रेल कनेक्टिविटी 900 किलोमीटर के आसपास हमें वापस से मतलब इंक्रीज होते हुए नजर आएगी। 510 गांवों को भाई इसमें जोड़ा जाने वाला है। देखो भाई दोस्तों अभी के टाइम अगर आप देखोगे तो रेलवे की मैंने पहले भी कह रखा कि जो हमारे इंडिया है ना, इंडिया के अंदर अभी के टाइम रेलवे की ग्रोथ बहुत बाकी है। जिस प्रकार गवर्नमेंट फोकस कर रही है ना, तो आने वाले 5-6 साल तक रेलवे के जो कंपनी है उसके पास ऑर्डर की बिल्कुल भी कमी नहीं है एंड यहाँ से आपका आर्मिनल IRFC इरकॉन ये आगे जाके हमें और अच्छा करते हुए नजर आएंगे। शॉर्ट टर्म बेसिस वोलेटिलिटी रही है तो इससे हमें ज्यादा पैनिक नहीं होना। जो लोग लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं उनको तो मैं फिर से बता दूं कि गिरावट हमारे लिए हमेशा अपॉर्चुनिटी बनकर आई है रेलवे के शेयरों में। तो जैसा कि देखोगे 510 गांवों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, 24 नए स्टेशन यहाँ पे ये लगाने वाले हैं, 40 लाख आबादी का सीधा प्रभाव इस पे पड़ने वाला है एंड ये भाई रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस प्रोजेक्ट के जरिए 767 करोड़ किलोग्राम कार्बन की बचत का यहाँ पे खाई की इतनी बचत होगी, जो कि ऑलराउंड 30 करोड़ फीट लगाने के बराबर है। तो टोटल अगर भाई मैं कहूँ अभी के टाइम की रेलवे में आगे क्या होगा, कौन से शेयरों को बेनिफिट मिलेगा, तो इसमें आप देख सकते हैं। देखिए सरकार के इस ऐलान का फायदा आने वाले समय में रेल विकास निगम मतलब आर्मिनल को भी देखने को मिलेगा, टीटागढ़ रेल को भी देखेगा, IRFC को भी मिलने वाला है, जुपिटर वैगन्स को भी मिलेगा, BML को भी मिलेगा यहाँ पे। तो ये कुछ बड़ी कंपनी है, इनको यहाँ पे हमें एक अच्छा बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा एंड जब भी ध्यान रखना मेरे बात, गवर्नमेंट कुछ अनाउंसमेंट करती है ना भाई उसका इफेक्ट पड़ता है। जैसा कि अभी के टाइम ये 24,600 करोड़ रुपये के नए प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट हुई है, इसका इफेक्ट हमें मंडे को पड़ता हुआ नजर आएगा। ऑलमोस्ट स्टॉक के अंदर हमें एक अच्छा बाउंस देखने को मिलेगा, क्योंकि रेलवे के शेयर अभी के टाइम गिर रहे हैं, IRFC भी गिर रहा है, क्योंकि आर्मिनल इरकॉन के रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो प्रेशर इस पर भी दिख रहा है। अब जैसे ही अपडेट आई है तो आर्मिनल विभाग IRFC भागेगा एंड आपका जो इरकॉन है वो भी थोड़ा बहुत यहाँ पे हमें बाउंस करता हुआ नजर आएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे देखो अगर आपने देखो आपने एक चीज और देखी है कि जो IRFC है ना भाई पिछले 6 महीने में कोई भी बड़ा रिटर्न नहीं दिया IRFC ने, तो मान के चलो रिजल्ट अगर अच्छा आता है यहाँ पे और जो ये अनाउंसमेंट हुई इसके जरिए कंपनी जो स्टॉक है ना उसको बूस्ट मिलेगा एंड अगर ऑपरेटर एक्टिव होता है तो यहाँ से मुझे लगता है कि स्टॉक में एक बढ़िया रैली कवर करता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि जिन शेयरों में रिटर्न नहीं बना भाई आगे रिटर्न बनने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि रेलवे के अन्य शेयरों में रिटर्न बना है IRFC में नहीं बना, तो अब IRFC मेरे हिसाब से आगे रिटर्न हमें बनता हुआ नजर आ सकता है।
देखिए दोस्तों, अभी के टाइम अगर आप IRFC को देखोगे भाई, एक लंबे समय से हमें स्टॉक कंसोलिडेट जोन में दिख रहा है। मैं आपको फिर से बता दूं कि जब भी कोई स्टॉक कंसोलिडेट करता है जिसके फंडामेंटल बहुत बेटर होते हैं तो उसको बॉटम पे खरीदना चाहिए। अब इस स्टॉक का बॉटम कितना है 175 का, इसके नीचे जाने के चांसेस नहीं है। दो तीन बार यहां से आप देखोगे तेजी दिखाया, फिर सपोर्ट ले चुका है एंड इसके ब्रेकआउट देने के बाद फिर तेजी यहां से फिर से ही उठेगा। तो ऑलमोस्ट अभी के टाइम मेरे हिसाब से अगर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी तो वो 175 के आसपास बन रही है। इसके बाद अगेन स्टॉक वापस जाएगा एंड जो स्टॉक का करंटली RSI चल रहा है वो भी 42 का हमें देखने को मिल रहा है, जो कि लगभग बॉटम पे। तो यहां से दोस्तों अगर आप आने वाले 4-5 महीने लगभग बताओ मैं दिवाली तक होल्ड कर सकते हो एंड यहां से 300 रुपये की दिवाली तक के हमारे जो IRFC के टारगेट रहने वाले, क्योंकि इतना तो यहां पे देखने को मिल जाएगा। क्योंकि देखो लंबे समय से कंसोलिडेट फंडामेंटल बैठ रहे एंड अप ट्रेंड में यहां से कंसोलिडेट चल रहा है। तो कल मंडे को फिर यहां पे एक बड़ा ब्लास्ट हमें देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से रिजल्ट भी कंपनी के बेटर आने चाहिए, रिजल्ट आते आपको वीडियो मिल जाएगा एंड जो भी अपडेट आ रही है मैं आपको कंटिन्यू दे रहा हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।